बबली ये तो बड़ी सात है जी इटा रोड़े होंगे ने इट त्रोड़ लगे को तेसी कांड की दौड़ पैंती है तू चनी जोर ना टुटी जाए। ये बेबे वास्ते भी हुनी दो। अच्छा शाह साहब जी जनाब तुसी डेयरी मिल्क बबली चॉकलेट खाधी है? बबली डैडी मिल वो जी डैडी मिल बबली का पता को नहीं जे डैरी मिल ना किस चीज का सानू पता तो हो डैरी मिल ये चीज नू क्या जाता है तो असं कही कि डैरी मिल है बबली। अच्छा बबली मैं समझा पता नहीं बबली की क्या छड़िया जे कोई खाने वाली चीज़ का नाम बबली रख्या। हाँ चलो वेखने खाने हैं तो फिर पता लगेगा। कोई मैं पिंडा थावां च अक्सर सुनया सुनया बीबिया बूबिया के ना बबली बिलो तो फलाना भाणा ये तो हूँ बबली वेखांगे तो पता लगेगा। ये बबली दे कोई कुड़ी छुड़ी का नाँ लेंदे पे हो चॉकलेट का है तुसी विच पा दे। डेरी मिल्क बबली इसका ऐड मैंने देखा है, खाई नहीं है कि कैसी होती है कैसी नहीं होती, लेकिन देखा ज़रूर है टीवी पे इसका बहुत ज़्यादा ऐड चलता है। ये जी डैडी मिल है ये तो बहुत बड़ी है जी चॉकलेट ही है उत्ते निशान देता ही बने है। ये तो काफी बड़ी चॉकलेट है जी ये तो बड़ी सात है जी इटा रोड़े होंगे ने इट त्रोड़ लगे को तेसी कांड की दौड़ पैंती है तू चनी जोर ना टुटी जाए ते हाँ बड़ी सात जी ये आ जे बबली। हाँ वाह जी वाह ये हूँ पता नहीं की होना क्रीम क्रूम बना के ड्राई मिल्क बबली देखो ना खोलने हैं पता करने हैं की चीज़ ये कि बबली हैगी है। पैकिंग दी कमाल कर छड़ दी है बस वार्मी आ लो पढ़ो हाँ ठीक हो गया जी। ए वाकई भी बबली बनाए बुलबुले बनाए हुए ने। हाँ ये उत्ते जग जुग बने वेखो गेंदा बनिया उत्ते जिमें अंदरों दे बड़ा डिजाइन बनिया वेखो जी जिमें फुटबाल दे निशान हुंदे ने। कैडबरी डेरी मिल्क बबली मिल्क चॉकलेट देखे ना फुल साइज है तो ये 87 ग्राम की है तो ये अकेला बंदा नहीं खा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जबरदस्त जायका ठीक बड़ी वधिया बनाई है डैडी मिल भी भाई चॉकलेट है वेखो उत्तों के हवाई हवा चुकने वाले बकाने ये बने ने प्यारी है मजेदार है अच्छी चीज बनाई है जल्द करा खाई जाओ नरम जी है खाने आखन जो मूँह जानी नरम हो जाती है तोड़न दे आख अंदर बड़ी सख्त है पूरा जोर लगता तोड़न लग गया यानी कुत्ते सी ना रोड़े तोड़ना पै गया है। चॉकलेट बनाई है जी ठीक हो गया। बिस्कुटों के बीच क्रीम क्रूम भी लाई होंगी इस तरह की चॉकलेट की बना के और फिर जाका उत्तों सख्त हुई है मूँह जरा चुथिए चुथिए तो नरम हो के पिघल के बस वो दुध का या जायका बनया। क्रीम बनाई है दुध की इकट्ठी की है बिच कोई पा छड़िया बड़ी मिठी बड़े मज़ेदार है इंज भुल ही है जिमें शक्कर खाई थी पहले बेबे खवादी होंगी सी चॉकलेट वाली मच्छियाँ ये चॉकलेट तो अजीब जी है जरा बड़ी मज़ेदार मिठी है ये बेबे वास्ते भी हुनी दो जल्दी करो। अच्छा टेस्ट है ये इसके अंदर बबल बबल बने हैं इसलिए इसको बबली कह दिया उन्होंने ये देखे ना ये भी बबल है और इसके अंदर जो है ना वो भी छोटे छोटे बबल है और खाने में भी बहुत लजीज है। मुंह में इसको जैसे ही बाइट इसकी लेते हैं मेल्ट हो जाती है और इतना अच्छा टेस्ट दे रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखे तुरगुत भी सोया हुआ था तुरगुत भी उठ गया है उसने कहा पता नहीं कौन सी मजे की चीजें खाई जा रहे हैं तो वो भी उठ के आंखें खोल के देख रहा है। बड़ी जबरदस्त चीज बना छी किसी ने तो चॉकलेट आगे भी बड़िया खादिया ने नहीं ये चीज चॉकलेट का ना एक जिम्मे अच्छी चीज है किसी ने म्यार बना के बनाई है तो किसी ने पूरी मेहनत की है उसे
आम नत्थू पत्थू चॉकलेट नहीं है कि जेडे एवं जिम्मे पिंडा वाले फाड़ के एवं बनाई जाते फिरते पे कहानी घोल के कंधा लिमन वाली खवा देंगे बालों बाल बीमार होंगे जी रहके दार हो खाण के हक च बच्चों वे खाओ बच्चे खाओ ध्यान ला छड़े आवाम उ काम देख लो फैशनेबल ही बस उम किया हो पैकिंग बना के बेचनी है जी विशा बेचनी ये बेबे वास्ते भी ले आवगा बड़ी अच्छी बनाई है बेबे पहले मैं मच्छियाँ खवादी दी चॉकलेट वाली ये ले के जावगा बेबे ने भी खवावगा तो वह चंकी बनाई है बड़ी मज़ेदार है देखे जी मैंने इसको टेस्ट किया बाहर से थोड़ी सी सख्त और अंदर से इतनी सॉफ्ट जैसे कि मक्खन नहीं मुंह में डाल लिया मक्खन मुंह में रखो साथ ही मेल्ट और ये बबली भी यही काम कर रही है थोड़ी सी सख्त है जैसे ही बाइट लेते हैं इतनी सॉफ्ट हो जाती है मेल्ट हो जाती है कि मक्खन नहीं मक्खन हो गया यह